आज संडे है तो साइमा ने नहीं आना, तो आज खुद ही जो है ना सफाई होने लगी है। तो यहाँ डाला है सिरका सरफ और इसके बाद मीठा सोडा और अब ये लेमन, इससे ये बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। ये देखे मैल उबड़ना भी शुरू हो गई है। अब इसको छोड़ देंगे तो बाद में इसको जो है ना क्लीन कर लेंगे। तब तक करते हैं बर्तनों की सफाई। हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू योर चैनल मेकओवर एंड अप। तो कैसे हैं आप सब, उम्मीद है ठीक होंगे, खुश बास होंगे, हंसते और मुस्कुराते होंगे। तो आप सब के लिए ढेर सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, किसी के पास कोई मुश्किल परेशानी ना आए। तो आप सभी मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तबीयत ठीक नहीं है, इसकी वजह से कल व्लॉग जो है वो अपलोड नहीं किया और बिल्कुल ऐसी तबीयत हो रही है कि मेरा जो है ना व्लॉग एडिट करने को भी दिल नहीं कर रहा। तो यहाँ पे मैं और बर्जा इकट्ठे दोनों जो है वो वॉइस ओवर कह रहे हैं। तो आप सबसे अगेन जो है दरख्वास्त है कि ज़रूर दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला जो है मुश्किलों को आसान करे सबकी और मेरी भी, और परेशानियों को दूर करे और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। अल्लाह ताला सारे छोटे छोटे बच्चों के सर पे उनकी माओं का और उनके बाप का साया जो है वो सलामत रखे, दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है वो मैं बर्तन जो है वो वॉश कर रही हूँ। तो गीज़र ऑन किया था तो लेकिन ये पानी जो है वो गीज़र का ठंडा नहीं हुआ, आई थिंक गीज़र को कुछ हो गया भाई, तो इसलिए फिर यहाँ पे हमारी साथ जो दूसरा नल, दो नल आपको नज़र आ रहे हैं, जो दूसरा नल है वो ताज़े पानी का है। तो ताज़ा पानी बहुत ही नीम गर्म सा आ रहा था तो उससे जो है वो बर्तन धो रही हूँ। और बर्जा भी, जी हाँ जी मेरे बेटा, बर्जा भी आपसे कुछ कहना चाह रही है। क्या कहना मेरे बेटे ने, ये मेरा पारा सा बच्चा भी कुछ कहना चाह रहा है भाई, एक मिनट। तो यहाँ पे मैं तरतीब के साथ जो है ना बारी बारी सारे बर्तन धो लूँगी। मैं इसी तरह बर्तन धोती हूँ, पहले या प्लेट्स धो ली, फिर जो है वो मतलब पहले ग्लास कप धो लेती थी अम्मी के घर, यहाँ पहले प्लेट्स धो ली, उसके बाद कप धो लिया, फिर ग्लास धो ली, फिर जो बड़ी बड़ी देखचियाँ दिखचे थे वो धो लिए रैन पे आके जनाब आगे बारी इस चूल्हे की। तो जो सारा मैंने इसके ऊपर डाला हुआ था मीठा सोडा, सिरका और क्या कहते हैं उसको, लेमन एक स्क्वीज़ किया था ऊपर और सरफ डाला हुआ था। उसके बाद जनाब जो पहले और दूसरा चूल्हा है ना वो तो बहुत जल्दी आराम से साफ़ हो गया था क्योंकि उसके ऊपर बहुत कम ही जो है ना वो गंद था, बहुत साफ़ था वो चूल्हा ना। तो ये जो थर्ड वाला है ना ये बहुत ही ज़्यादा गंदा था, तो इस पर थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी, वो भी मतलब अगर ये ना लगाती तो और ज़्यादा मेहनत होती। तो ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपके चूल्हे बिल्कुल चमक जाएंगे। ये तो ज़्यादा गंदा हो गया हुआ था क्योंकि हेल्पर साफ़ करती हैं तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा गंदा था। तो इस तरह करने से ना अगर आपके चूल्हे डेली इसी तरह से साफ़ हों तो ये बिल्कुल इसी तरह रहेंगे जैसे बिल्कुल नया चूल्हा लिया होगा, ठीक है। तो उसके बाद जरा रूम की सफाई कर लेंगी। तो आज का व्लॉग मेरा इतना सही है, मैंने ज़्यादा व्लॉग नहीं बनाया, तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद जनाब सालन बनाने लगी हूँ और सालन में मैंने बनाए थे आलू। और ये मेरा संडे का व्लॉग है क्योंकि संडे को साइमा को छुट्टी होती है, वो आज भी नहीं आई, आई मीन मंडे को भी नहीं आई। तो ये संडे को जो है वो आलू का सालन बनाया था और मंडे को जो है वो आज मटर चिकन बनाया, लेकिन आज भी मैंने व्लॉग नहीं बनाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।